नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर 10 किलोमीटर दूर भवाली चिकित्सालय स्टोरियम का औचक निरीक्षण प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य सहकारिता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। निरीक्षण के दौरान रावत ने सेंटोरियम में टीबी मरीजों के वार्ड में जाकर उनके स्वास्थ्य, औषधि, भोजन व्यवस्था तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बड़े अभियान चलाया है, उत्तराखंड को 2024 तक टीबी मुक्त किया जाए और इसके लिए हर मरीज को आइडेंटिफाई किया जाए, हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में, और जो मरीज आइडेंटिफाई होते हैं उनको 100% दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी। 500 रुपये मासिक भी दिया जाएगा और एक एक मरीज को एक एक आदमी गोली, ताकि वो उसकी दवाई की चिंता भी करता रहेगा कि वो समय पर दवाई ले रहा है। और एक बड़ा व्यापक अभियान हम टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं। श्रीनगर में शराब के नशे में तेज वाहन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। सड़क पर पड़े युवकों ने युवक की धुनाई पीस सड़क पर ही कर दी। दरअसल मुकेश नाम का युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। उसने नशे की हालत में पहले दो बाइकों को टक्कर मारी, जिसके बाद आगे की ओर बढ़ता चला गया। तभी उसने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट के सम्मुख भी बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिस पर युवकों ने मुकेश की धुनाई कर दी। मामले में युवकों ने पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शराबी युवक को छोड़ा है। मामले में पुलिस शराब के नशे में धुत युवक को थाने ले आई, उसका वाहन सील कर दिया है, उस पर मुकदमा भी कर दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल के राज्य अतिथि शैलगहल में विद्यालय शिक्षा बेसिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत शिक्षा सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं का लाभ पहुंचे, जिसके लिए सभी को आसपास में तालमेल बनाकर कार्य करने की जरूरत है। 150 करोड़ रुपये की प्रॉफिट और अभी तक हम लोगों ने 6.25 लाख से ज़्यादा किसानों को 0% ऋण दिया, लगभग 4,000 से ज़्यादा समूह को अभी तक हमारा 5-5 लाख रुपए 0% पे दे चुके हैं। और हमारी हमेशा जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, हमारे गृह मंत्री जी का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि गरीब आदमी की चिंता हमारी सरकार को करनी है। हम उसी विजन के लेके काम कर रहे हैं और हर किसान को हमें चाहते हैं कि उसकी आय दुगनी कैसी हो। कॉपरेटिव क्षेत्र से हम उसका सहयोग करते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने ये भी तय किया है कि जो किसान का बेटा अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, YS BCS बनना चाहता है, अगर वो प्री के बाद अगर उसको पैसे की दिक्कत होगी तो कॉपरेटिव विभाग जो है उसको अग्निवीर भर्ती के दौरान जनपद पौड़ी गढ़वाल के SDM के द्वारा एक युवक के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर कांग्रेस भड़क गई। ऋषिकेश में देहरादून चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर रोष जताया। आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अफसरशाही हावी है, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ऐसे अग्निवीर बनने जा रहे योद्धाओं के साथ SDM के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपने चहेतों को अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि बिना अधिकारियों और नेताओं पर बिना पकड़ वाले अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस सवाल खड़ा किया कि यदि प्रमाण पत्रों और खान पान की व्यवस्थाओं को लेकर युवाओं ने तर्क के साथ सवाल किए तो SDM बौखला गए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए युवाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। खेद का विषय है कि जहां नौजवान UP SSC के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वहां उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे युवा साथी नितिन बिश ने पौड़ी में एक अग्निवीर की जो भर्तियां की जा रही थी, बैकडोर से जो जिनकी सेटिंग शासन प्रशासन में थी उनको प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जो जिस तबके की आवाज़ प्रशासन तक नहीं है उनके सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर हज़ारों की भीड़, क्योंकि बेरोजगार उत्तराखंड में हज़ारों युवा बेरोजगार है, रोजगार की चाहत में कई हज़ार युवा वहाँ पर परेशान हो रहा था, जिनको भोजन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था व प्रमाण पत्र जैसी जो मूल प्रमाण पत्र थे उनको निर्गत नहीं किया जा रहा था। पता है पौड़ी में जो नितिन भाई हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको एक इतनी सी बात पर, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आने वाले युवाओं, जो युवा वहाँ पे अपने जो ID कार्ड के लिए जिस माध्यम से वो वहाँ जा रखे थे, उनका पीठ पीछे अनौपचारिक रूप से वहाँ पे उन्होंने जो अपने साथियों को अपना करवाने का काम करा, लेकिन जो बच्चा जो दूर दूर से वहाँ पे अपने का वो लेने, आपका पत्र लेने आया है, उनको वहाँ पे
धूप में बिठा के या रात देर रात तक रोक के उनका काम कभी भी नहीं कराया गया। सिर्फ इतनी सी बात पर उन्होंने जब अपनी आवाज़ उठाई तो वहाँ के SDM द्वारा उनसे जो बदसलूकी करी गई। पौड़ी जिले के जोबट्टाखाल विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में प्रदेश युवाओं को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ा जा रहा है और इसमें से मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए अग्निवीर योजना के तहत की जाने वाली इस भर्ती की जाँच करवाकर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए। लक्सर तहसील कार्यालय में मालगुजारी अमीन और अनुसेवकों को संबंधित देते हुए अन्य कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि वसूली के कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सरकार के द्वारा भेजे गए आदेशों को भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों ने दरकिनार किया और संबंध अनुसेवक को वापस नहीं दी गई। राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून द्वारा 29 अप्रैल 2022 को हरिद्वार की भगवानपुर रुड़की और लक्सर तहसील के अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि संबंध रखने वाले मालगुजारी अमीन में अनुसेवकों को तत्काल वापसी दी जाए और उनसे वसूली का कार्य लिया जाए, लेकिन इस पत्र का भी लक्सर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कार्यालय में अधिकारी कार्य का हवाला देते हुए अनुसेवक और मालगुजारी अमीन की वापसी नहीं की गई। इस मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल से बात की, पहले तो उन्होंने कह दिया कि पत्र मेरे संज्ञान में नहीं है। बिजनौर के नैटौर के खुजराहट इलाके में गन्ने की खोई में आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हुआ। कोल्हू मालिक का आरोप है कि आग किसी रंजिश के तहत लगाई गई है। बांदा की नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। किसी तरीके से सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया है। प्रशासन की अनदेखी से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। योगी सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसका नतीजा श्रावस्ती में देखने को मिला, जहां दो अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवारों से 50,000 के ऊपर की नकदी दिनदहाड़े छीन ली और भाग गए। रुपए का बैग के दौरान हमला किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तीनों थानों की पुलिस फोर्स अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। बदमाशों के भागने के रास्तों के आसपास क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से कॉम्बिंग की तलाश की गई। बदमाशों की तलाशी करने के लिए मॉडर्न थाना पुलिस, इकौना थाना पुलिस, साथ ही क्राइम ब्रांच और पास के जनपद के बलरामपुर थाना पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। तिवारी सन ऑफ सुरेंद्र तिवारी थाना मवई जनपद फैजाबाद के रहने वाले हैं और यहां भारत फाइनेंस बलरामपुर कोतवाली नगर में इनका ऑफिस है, इसी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आज ये समूहों से पैसा वसूलने के लिए आए थे, तो दसियापुर और छड़ियापुर आदि गांवों से कहीं 15,000, कहीं 16,000, कहीं 20,000 करके वसूला है इन्होंने। अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं लेकिन 35,000 से 40,000 रुपए के बीच इनके पास था बैग में। दो लड़के आए हैं जिनके पास एक पिस्तौल नुमा थी, जिसको इन्होंने देखा उसे डराया और इनको रोक लिया। इनका बैग छीनने लगे, फिर इन्होंने उसका विरोध किया, विरोध पर चिल्लाए।
फिरोजाबाद के शिगोहाबाद नगर के मोहल्ला खेड़ा में एक युवक की पड़ोसी ने ही पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी होने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर रात हुई हत्याकांड से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। वहीं आरोपी परिवार भी दहशत में अपने मकान में बंद है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यूपी पुलिस के दिशा निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आयात निर्यात पर रोकथाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी जिले के पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके क्रम में श्रावस्ती पुलिस अलर्ट पर है। एसपी अरविंद कुमार मौर्य, एएसपी केशवचंद गोस्वामी के नेतृत्व में जनपद के अलग अलग थानों क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक द्वारा 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। मैनपुरी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार होने के कारण सवारियों से भरी प्राइवेट बस नियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई। इस मौके पर पहुंचे प्रशासनिक लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया डॉक्टर द्वारा, जिनका इलाज चल रहा है। दस से 12 लोग इंजॉर्ड हुए हैं। कंडीशन अभी उनकी ऐसी है कि यहीं पर रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। एक को रिफर किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी तत्काल वहीं पर लोकल एसडीएम और लोकल सीओ पहुंच गए थे। एडिशनल एसपी ने मौके पर किया, हम लोग स्वयं कोई कैजुअलिटी भी हुई है। बदायूं दातागंज रोड पर गनगौला के अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये पूरा परिवार खाटू श्याम मंदिर उछानी के वापस लौट रहा था। कार का स्टीयरिंग अचानक जाम होने पर गाड़ी पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से एक बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए बरेली ले जाया जा रहा है, जहाँ 2 और मौत हो गई, जबकि बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जहरीली अवैध शराब के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। कुल 1200 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग के साथ एसडीएम उरई और क्षेत्राधिकारी कोष के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हैं। पुलिस ने शराब अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। उरई और थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में थाना गिलौला क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों में अगले सप्ताह से गणपति बप्पा मोरिया की गुण सुनाई देने लग जाएगी। मंदिर समितियां गणेश चतुर्थी पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जिस क्रम में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए थाना गिलौला प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय की अध्यक्षता में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों धर्मगुरुओं के साथ थाना गिलौला परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। गणेश चतुर्थी को लेकर गिलौला थाना परिसर में पूजा समिति समेत प्रबुद्धजनों की बैठक बुलाई गई। सीतापुर के महमूदाबाद पावर हाउस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कोतवाली महमूदाबाद इलाके का ही पूरा मामला। सीतापुर में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। वायरल वीडियो थाना रेउसा इलाके के भीठमानी गांव का है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा ने बताया कि हर गांव हर घर में आंगनबाड़ी महिला को निर्देश दिए गए हैं। हर छोटे बच्चों की जांच होगी। इस रिपोर्ट को तुरंत और विभाग में जमा कराएं, ताकि छोटे बच्चों को पुष्टाहार समय पर मिलता रहे। साथ में वजन तोलने की मशीन भी रखी गई है, जैसे कि बच्चे के वजन को तोला जा सके। वो टेक्नीशियन मशीन होंगी, जैसे कि लंबाई और वजन में मशीन काम करेगी। जो पुरानी मशीन थी, वजन तोलने में कुछ कमी आई थी, अब नई टेक्नोलॉजी की मशीन उपलब्ध हर गाँव में कराई जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रह सकें। संभव अभियान को जनपद में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर्स को बुलाया गया है और यूनिसेफ की टीम आई है।
मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और यूनिसेफ की टीम के बाकी मेंबर्स हैं जो CDPO सुपरवाइजर्स और कुछ चुनिंदा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको बुलाया गया है कि वो संभव अभियान जो हमारा 3 महीने का चल रहा है जुलाई से सितंबर तक, जिसमें हमें स्वयं बच्चों का चिन्हांकन करना है और कुपोषण की विभिन्न श्रेणियों पर काम करना है इस पूरे 3 महीने में, तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इनके ये कैसे और नीचे तक मैसेज दें ग्रास रूट पे सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को, तो उसके लिए ये आज ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण शिविर इसका आयोजन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।